हेलो गाइस, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूँ सरवा टेक के एक नए जानदार शानदार दाजो एपिसोड में। गाइस, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं और वेट कर रहे थे किसी सेल का, तो इस पैंडमिक में सबसे बड़ी सेल आ गई है किसी भी ई कॉमर्स साइट पर, वो है प्राइम डेज। जी हाँ, अमेजोन के जो प्राइम डेज हैं वो वापस आ गए हैं। ये 6 से 7 तारीख तक चलने वाले हैं। अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप है तो ही आपको ये सेल्स और डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर सेल का नाम सुन के आपकी आंखों में जरा चमक आ गई तो 2 मिनट आप रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिन पर आपको धमाकेदार डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ काम का कंटेंट लेके आता रहता हूँ। तो चलिए, ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सरवा टेक का एक नया जानदार शानदार और धासु एपिसोड। तो गाइस, हम सबको बताया कि जो सेल चल रही है वो चल रही है अमेज़ॉन पर। अमेज़ॉन पर सेल है और अमेज़ॉन के अपने प्रोडक्ट्स पर आपको डिस्काउंट ना मिले, ये कैसे पॉसिबल है? तो अमेज़ॉन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फायर स्टिक्स हैं, अलेक्सा से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, सब पर आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको इसी कैटेगरी में देखने को मिलेगा। बात करते हैं सबसे पहले आपके फायर स्टिक की। अगर आप फायर स्टिक लेना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है फायर स्टिक खरीदने का। अगर आप नॉन 4K लेना चाहते हैं तो वो आपको प्राइम डेज में मिलेगी करीब 2400 रुपये की। अगर आप उसे रेगुलर डेज में लेते हैं तो उसका प्राइस 4000 रुपये है। अगर आप 4K जो फायर स्टिक्स है उसे लेने में इंटरेस्टेड है तो उसका जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा करीब 3600 रुपये का, यानी 3599, और उसका जो रेगुलर प्राइस है वो करीब आपको 6500 रुपये का पड़ता है। तो आप जाइए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप जाके ले सकते हैं, क्योंकि इससे सस्ती आपको और कभी भी किसी भी सेल में जो फायर स्टिक्स हैं वो नहीं मिलेंगी। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं स्पीकर्स की। स्पीकर्स पे भी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। जो इको डॉट आपको मिलेगा वो मिल रहा है करीब 2749 रुपये का, जिसकी कीमत 4000 रुपये है। और जो इको डॉट है जिसमें आपको स्क्रीन पे क्लॉक मिल जाती है, स्क्रीन तो नहीं, उसमें क्लॉक मिलती है स्पीकर में आपको, LED क्लॉक है, तो वो जो आपको पड़ेगा वो करीब 3254 रुपये का पड़ेगा, जिसकी जो कॉस्ट रेगुलर डेज में है वो आपको करीब 4500 रुपये का मिलता है। बात करें अगले स्पीकर की, जो है इको प्लस, तो वो उसका जो प्राइस आपको मिलने वाला है प्राइम डेज में वो मिलेगा करीब 7500 का, जबकि इसका रेगुलर प्राइस है 10000 रुपये। तो काफ़ी भारी डिस्काउंट तो आपको स्पीकर्स पे भी देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, बात कर रहे हैं अगले प्रोडक्ट की। तो अगला जो प्रोडक्ट आता है वो आता है इको शो। जी हाँ, दो वेरिएंट में आता है, एक की डिस्प्ले बड़ी है और एक की छोटी है। जो छोटी डिस्प्ले वाला है उसका रेगुलर प्राइस आपको करीब 6000 रुपये पड़ता है, जो कि इस सेल में आपको करीब 5400 रुपये का मिलने वाला है। तो करीब 600-700 रुपये की आपको इसमें बचत हो जाएगी। बात करें बड़े वाले वेरिएंट की, तो बड़ा जो वेरिएंट है उसका रेगुलर डेज में जो प्राइस है वो 17000 रुपये है, और इस सेल में जो आपको 15000 रुपये का मिलने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन प्रोडक्ट्स में तो आप जाके ले सकते हैं, बेस्ट डील आपको मिलेगी। बात करें अगले प्रोडक्ट की, तो अगला जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलने वाला है इको फ्लैक्स। इसका रेगुलर डेज में जो प्राइस है वो 3000 रुपये है, और सेल में आपको करीब ये 2000 रुपये का पड़ेगा। तो 1000 रुपये की आपको अच्छी खासी बचत इस पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है किंडल में, जी हाँ, अगर आप बुक पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं और प्रेफर करते हैं कि आप मोबाइल में बुक पढ़ें, तो स्पेशली डिवाइस आता है किंडल, आई होप आप सबको पता होगा। इस पे भी आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। रेगुलर डेज में इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको करीब 13000 रुपये की पड़ती है, लेकिन अगर आप इसे सेल में लेते हैं तो ये आपको करीब 10000 रुपये का पड़ेगा बैंक ऑफर लगा के। तो गाइस, बात करें स्मार्टफोन्स की, तो स्मार्टफोन में अमेज़ॉन पर जो लो मिड रेंज है और मिड रेंज है उसमें आपको इतने अच्छे ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते, लेकिन आप जैसे ही प्रीमियम सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं आपको एक बेहतरीन और अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इस सेल्स में कुछ फ़ोन सजेस्ट करूँगा तो वो है सैमसंग का M31। जी आप देख सकते हैं, ये आपको करीब 16-16 हज़ार रुपये का मिल जाएगा सेल में। वैसे इसकी नॉर्मल डेज में जो कीमत है वो 17500 रुपये है। इसके अलावा K20 Pro जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा रेडमी का, क्योंकि उस वो नॉर्मल डेज में 25000 के आसपास मिलता है, जबकि सेल में आपको करीब 30000 का पड़ेगा, 1500-2000 का आपको जो इसमें डिस्काउंट्स मिलने वाला है। और जो फ़ोन आपको बिल्कुल नहीं देखने हैं वो है वीवो का S1 Pro, साथ में V19। इन दोनों फ़ोनों को आप अवॉइड कर सकते हैं, साथ में ऑनर का 9X है, उसकी तरफ भी मत देखिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट में कोई फ़ोन लें तो S10 के प्राइस में भारी गिरावट आई है, आप देख सकते हैं करीब 5000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा S10 में। ऐसे ही बात करें OnePlus के डिवाइसेस में, तो एक्स्ट्रा एक्सचेंज ऑफर्स और साथ में डिस्काउंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं OnePlus के डिवाइसेस पे। तो आप प्रीमियम सेगमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो Amazon से शॉपिंग कर सकते हैं। लो मिड रेंज में जो दो फ़ोन थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो गाइस, सुनने में आया कि आईफोन के डिवाइसेस पे भी आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इन्होंने अभी तक प्राइस रिवील नहीं किया है, लेकिन जैसे ही प्राइस रिवील होता है मैं आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपडेट कर दूंगा। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। बात करें टीवी की, तो उतनी अच्छी रेंज टीवी की मुझे अमेज़ॉन पे भी नहीं लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मोस्टली जो टीवीज़ हैं
फ्लिपकार्ट पे आपको अच्छे और सस्ते मिल जाते हैं, अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा मुझे लगा मैंने कंपेयर किया तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अमेज़ॉन से कोई टीवी ले। लेकिन हाँ, एक टीवी है जो कि ओनिडा का है, फायर स्टिक एडिशन के साथ आता है, वो टीवी पे आपको 2000 रुपये का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। नॉर्मल डेज में उसकी कीमत 13000 रुपये की होती है, लेकिन वो आपको सेल में 11000 रुपये का मिल जाएगा बैंक ऑफर लगा के, तो आप उसके प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। तो गाइज़, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट पे आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट मिल जाएंगे, स्पेशली लैपटॉप पे, कैमराज पे बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं, होम डेकोर आइटम्स काफ़ी सारे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मेन डिस्काउंट्स हैं और जितने मोटे डिस्काउंट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप चाहते हैं कि मैं आपको लैपटॉप पे या कैमरा पे कोई वीडियो बना के दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट पे भी एक सेल स्टार्ट होने वाली है जो कि इन्हीं डेज में है, 6 से 10 तारीख तक। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी आपको एक वीडियो बना के दूँ तो भी प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बने रहें सरोवर टेक के साथ। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।